नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जाग शर्मा और जैसे जैसे जनवरी के एक एक दिन जो है वो कटते जा रहे हैं, वैसे वैसे करके जो है वो वन प्लस टेन प्रो की लॉन्च जो है वो अपने पास में आती जा रही है और ये जो है वो 2021 का फर्स्ट स्मार्टफोन होगा जो कि लॉन्च होएगा। टू बी ऑनेस्ट तो इसकी प्राइसेस जो है वो एक तरीके से पूरी पूरे लीक हो चुकी है, इसकी स्पेसिफिकेशन जो है पूरे पूरे लीक हो चुके हैं, एच डी रेंडर्स जो है वो बाहर आ चुके हैं। मैंने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस करी थी इसकी ऑफिशियल वीडियो के बारे में कि कैसे वन प्लस ने जो है इसकी ऑफिशियल वीडियो जो है वो लीक करी है और वाकई में फोन जो है वो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। हालांकि वन प्लस 7 प्रो और 8 प्रो के बाद से जो है वो सारे के सारे फोन आगे से जो है वो सेम टू सेम ही लगते हैं, लेकिन पीछे से जो है वो हल्का फुल्का डिजाइन चेंज होता रहता है और इस बार जो है इन्होंने पीछे की तरफ जो है वो डिजाइन काफी ज्यादा शानदार वाला डाला है। लेकिन पहले जो है अपन इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपना वन प्लस 9 प्रो जो है वो लगभग 65,000 के आसपास का रिलीज हुआ था और ये वाली प्राइस जो है वो एक तरीके से सैमसंग और एप्पल की कैटेगरी के अंदर जो है वो हल्की हल्की करके शिफ्ट होती जा रही है। तो वन प्लस जो है वो फ्लैगशिप किलर नहीं रहा जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो है ब्रांड इमेज बनाई थी, लेकिन अब वन प्लस जो है वो पूरी की पूरी तरीके से बदल चुका है। वो लोग एंड्रॉयड 12 के अंदर जो है वो कलर ओएस का सोर्स कोड यूज कर रहे हैं, तो अपेरेंटली अब वो वाला वन प्लस जो है वो रहा नहीं है जो कि वो पहले था। तो अब कम प्राइस की एक्सपेक्टेशन रखना भी मत। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड प्राइस आ रही है इस वाले स्मार्टफोन के 128GB मॉडल की, वो जो है वो 69,000 की आ रही है। 69,000 के अंदर अब वन प्लस 9 प्रो का 256GB वाला वेरियंट जो है वो उठा सकते हो। आप जो है वो अगर यूएस में रहते हो तो फिर गूगल पिक्सल आईफोन वगैरह उठा सकते हो, लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हो तो फिर पिक्सल 6A का इंतजार करना अगर आपको जो है वो स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, वरना आपको जो है वो बहुत सारे फोन जो है वो शायमी की तरफ से मिल जाएंगे जो कि ताकत और स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑफर कर रहे हैं। और मैं स्पेसिफिकेशन की बात कर ही रहा हूं तो फिर जैसे कि आपने देखा ही सही है कि इसके अंदर जो है वो क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्रोसेसर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है और ये वाले प्रोसेसर से जो है वो एक तरीके से काफी लोग जो है वो उम्मीद लगा के बैठे कि वाकई काफी ताकतवर प्रोसेसर है जो कि ये है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये इतना ज्यादा ताकतवर प्रोसेसर है कि कुछ फोन्स जो है वो इसके थर्मल्स को मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन्स में ये अभी तक आया है, जैसे मैं बात करूं मोटोरोला X30 की, उसके अंदर भी ये वाला प्रोसेसर जो है वो आ रहा है और वो वाला स्मार्टफोन जो है वो काफी जल्दी हीट हो जाता है और थर्मल्स जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही है कंपनियां इस वाले प्रोसेसर की। तो देखते हैं कि OnePlus की क्या अप्रोच रहेगी इस वाले प्रोसेसर को लेके। और यहाँ पे आगे की तरफ डिस्प्ले जो है वो लगभग सारे के सारे OnePlus स्मार्टफोन में एक जैसी ही रहती है जब से OnePlus 7 Pro जो है वो रिलीज हुआ है, तो इसके अंदर भी लगभग एक जैसी ही है। हालांकि इसके अंदर LTPO 2.0 डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो LTPO 2.0 और LTPO के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस जो है वो होता नहीं है, बस 120 हर्ट्ज से लेके 1 हर्ट्ज का जो ट्रांजिशन है उसको जो है वो ज्यादा स्मूथ और ज्यादा तेज जो है वो बनाता है। और LTPO टेक्नोलॉजी जो OnePlus 9 Pro के अंदर आपको देखने को मिल रही थी, उसके अंदर ये लॉक स्क्रीन के अंदर जो सेकंड की सुई है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर, उसको जो है वो चलाता था 1 हर्ट्ज के ऊपर और वो जो है वो इन्होंने Android 12 में से हटाती है, तो व्हाट्स द पॉइंट। फिर भी इसके अंदर जो है वो बैटरी जो है वो सेव होगी इसी, मतलब आप इमेज वगैरह देखोगे तो उसको 120 हर्ट्ज के अंदर नहीं दिखाएगा। और बैटरी की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपको 5000 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिल रही है विद लगभग 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो OnePlus 9 Pro के अंदर 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिली थी, इसके अंदर जो है वो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। इसके अंदर IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस तो आएगी ही सही। इसके साथ साथ 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगा और इसके साथ ही साथ हैसलब्लैड का 7 आपको जो है वो वापस से देखने को मिल रहा है। ये हैसलब्लैड ने जो है पिछले साल वादा करा था ये लगभग 3 जनरेशन के स्मार्टफोन्स में आएगा, पहली जो है वो 9 Pro थी, उसके बाद 10 Pro और लगभग 11 Pro तक जो है वो आएगा और उसके अंदर जो है वो OnePlus अपने कैमरा डिपार्टमेंट को काफी लेवल पे इंप्रूव करेगा जो कि उन्होंने करा भी है। टू बी ऑनेस्ट पिछले वाले OnePlus स्मार्टफोन से जो 9 Pro सीरीज है उसके अंदर जो है वो काफी अच्छे कैमरास देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर हक दिया। इसके अंदर वही 12GB की LPDDR5 RAM तक का जो है वो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो 500GB की स्टोरेज नहीं आ रही है। अभी भी जो है वो टॉप वेरिएंट जो है वो 256GB पर ही क्लॉक्ड रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो 3.1 की UFS स्टोरेज जो है वो आएगी। अब इसकी एग्जैक्ट प्राइस 128GB वेरिएंट की मैंने आपको बता रखी है कि ये जो है वो 69,000 तक का जो है वो पड़ सकता है और ये जो है वो एग्जैक्टली 11 जनवरी को जो है वो रिलीज हो रहा है। लगभग 11:30 बजे जो है वो इसका इवेंट रहने वाला है चाइना के अंदर। आप जो है उसको स्ट्रीम वगैरह कर सकते हो अगर आपको मैंड्रिन वगैरह आती है तो, लेकिन हो सकता है कि मतलब इंग्लिश में भी हो, मतलब मैं भूल गया यार, एक साल पहले मैंने OnePlus का कोई इवेंट देखा था। तो स्मार्टफोन जो है वो रेंडर्स और ऑफिशियल वीडियोस के अंदर काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है और टू बी ऑनेस्ट मैं इस बार
सरकार जो है वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों ने ऑक्सीजन ओएस की जो गत मारी है उससे मैं जो हूँ वो काफ़ी ज़्यादा लेवल्स के ऊपर जो है वो डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और मैं लो की पिक्सल 6a का जो है वो वेट कर रहा हूँ, जो कि आगे आने वाले साल में जो है वो रिलीज़ होने वाला है इंडिया के अंदर, क्योंकि पिक्सल 6 और 6 प्रो जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ था इंडिया के अंदर, लेकिन 6a की कुछ चांसेस बन रही हैं कि वो जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। उसके अंदर जो है वो आपको स्टॉक एंड्रॉयड जो है वो देखने को मिलेगा मटीरियल यू के साथ में, और भारी भरकम कैमराज हर बार की तरह जो है वो पिक्सल धूम मचा देगा। तो मैं जो हूँ वो उसके लिए कुछ थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है भाइयों, लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना, एंड दिस इज स्टेट साइनिंग ऑफ, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।